हरिद्वार के मंगलोर कोतवाली के अंतर्गत आने वाले गुरुकुल नारसन में किसानों ने प्रेस वार्ता कर भाजपा सरकार की खुली चुनौती दी। उनका कहना है कि भाजपा सरकार पूर्ण रूप से किसान विरोधी सरकार है। सरकार ने जो किसान मजदूरों के साथ वायदे किए थे उन पर वो खरी नहीं उतरी है। किसानों को केवल वोट बैंक के नाम से इस्तेमाल किया गया है। भुखमरे जी कंगाल की तरफ चला जा रहा है। गन्ने का भाव नहीं मिला सही भी, ना गन्ने का पेमेंट मिला सही भी। जो आज तक किसान की हालत यह भी, बच्चों को फीस के पैसे दिए जा रहे हैं और हालत इतनी खराब हो रही है। किस तरह भी जो हमारा आंदोलन होगा, जो सरकार के साथ में आर पार का होगा, जो जितनी भी हमारी लड़ाई लड़नी पड़ा, हम हटने के नहीं, मरने से भी हटने के ना, सरकार को पीछे हटने के बिल्कुल। मैं तो आर पार की लड़ाई है यार। आज ये गुरुकुल नारसन कार्यालय पर भारतीय किसान यूनियन की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। इसमें हमारा ये है कि पूरे देश में हमारा 21 दिसंबर को एक नया आंदोलन होगा। उस आंदोलन का नाम है किसान हल क्रांति आंदोलन। किसान अपना हल, जुआ, फावड़ा, दंती, खुरपा, हरसी, सब जो कृषि के यंत्र है उन्हें लेकर सड़कों पर प्रदर्शन करेगा। क्योंकि सरकार ने किसान आज उस कगार पर पहुँचा दिया कि किसान आत्महत्या को मजबूर हो गए। दो दो साल तक लगातार किसानों के भुगतान नहीं हो पा रहे और किसानों